विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर शहर के हर मकान में चिड़ियों का घोंसला टांगने का संकल्प। गर्मियों में कई परिंदों व पशुओं की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। पंछियों से प्यास बुझाने का संकल्प लेकर कई वर्षों से पेड़ों व घरों में घोंसला बांध रहे पर्यावरण के पैरवे शोभा राम कश्यप ने विश्व गौरैया दिवस पर आज से इस अभियान की शुरुआत की और कहा कि यह अभियान तब तक खत्म नहीं होगा जब तक शहर के हर घर में चिड़ियों का घोंसला टांग नहीं दिया जाएगा। सुबह आंखें खुलने के साथ ही घरों के बाहर फुदड़ती गौरैया बच्चों सहित बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। गर्मियों में घरों के आसपास इनकी चहचहाहट बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग इन पंछियों को ध्यान रखें और हर संभव प्रयास करें कि ये चिड़िया प्यास से ना मरने पाए। शहर के समाज सेवी 66 वर्षीय शोभा राम कश्यप इस मामले में बेहद संवेदनशील है। पिछले 29 वर्षों से पंछियों की प्यास मिटाने के लिए अभियान चला रहे हैं। वो बताते हैं कि पिछले वर्ष भी 20 मार्च से औरैया दिवस पर मैंने घरों में पानी के पात्र व घोंसले टांगने का अभियान शुरू किया है। अभी तक 1114 स्थानों पर घोंसले टांगे गए हैं और पानी के पात्र भी रखे हैं। इनमें से 200 ऐसे घोंसले हैं जिनमें चिड़ियों ने अंडे दिए हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। कुछ घोंसलों में गिलहरियों ने कब्जा कर अपने बच्चे पैदा किए हैं। गिलहरी भी अत्यंत उपयोगी है जो फल खाने के बाद बीजों को ज़मीन में खोदकर छुपा देती है और फिर ये सोचकर कि वो इस बीज को फिर खाएगी, लेकिन बाद में वो भूल जाती है कि उसने वो भी ज़मीन में कहाँ छुपाया था। यही बीज बाद में पौधे बनते हैं। गौरैया से बेहद लगाव। शोभा राम का पंछियों के प्रति गहरा प्रेम है। वो कहते हैं कि जब भी भीषण गर्मी में प्यास से भटकती गौरैया चिड़िया को देखता हूँ तो मन व्याकुल हो उठता है और इसलिए मैंने गौरैया चिड़ियों को बचाने के लिए उन्हें दाना पानी रखने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान में अन्य पंछियों का भी भला हो रहा है। वो बताते हैं कि मैंने पंछी बचाओ अभियान की शुरुआत 2012 में शुरू की थी। पहले वर्ष में 200 जलपात्र और 200 दाने के पात्र लगाकर शुभारंभ किया था। हर वर्ष वो अभियान बढ़ता गया। पिछले वर्ष 1101 जलपात्र और 1101 दाने के पात्र लगाए गए थे। पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण अभियान कुछ धीमा पड़ा है, फिर भी 1114 जलपात्र और इतने ही घोंसले लगाकर अभियान को गति देने की कोशिश की। इस अभियान में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार सहभागी बन रहे हैं। शोभा राम ने पंछियों को दाना पानी रखने के लिए पात्र बनाने का आसान तरीका खोज निकाला है। वो बताते हैं कि मिट्टी के घड़े का निचला हिस्सा काटकर उसे लोहे के छल्ले में रखा जाता है। रस्सी से उसे छल्ले को बांधकर पेड़ में कील के सहारे बांध दिया जाता है, जिसकी लागत 50-60 रुपए आती है। उन्हीं पात्रों में पानी भर दिया जाता है। इनमें प्यासे पंछी आकर प्यास बुझाते हैं। इसी तरह दाने का पात्र भी टांगा जाता है। वो काष्ठ कला के भी पारखी हैं। अपने हुनर से उन्होंने घोंसला भी बनाना शुरू किया है। आप काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, किस तरह से अभियान चलाते हैं आप? ये अभियान हम लोग मूल रूप में गौरैया को बचाने का और साथ में और अन्य पक्षियों को बचाने का और जीव जंतु बचाने का ये संदेश लेकर जाते हैं। राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति के जो सदस्य हैं, मैं उसका संयोजक हूँ, कि हम लोग खाली अगर जाकर बताएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये खाली बताने चले आए। तो हम लोग लकड़ी का एक घोंसला और एक पानी का पात्र लेकर जाते हैं विद्यालयों में, सरकारी ऑफिसों में, बंगलों में, बागों में, और भी जो समाज के जागरूक लोग हैं उनके पास, कि उसे लगवाते हैं और ख़ास तौर पर संदेश देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पक्षियों को बचाने के प्रति लोगों में जज्बा जागे, भावना जागे, पर्यावरण का संतुलन हो, जीव जंतु बचें, यह भाव है। तो मैं एक संदेशा लेकर जाते हैं और पिछले 2012 से हम लोग ये गौरैया बचाओ अभियान चला रहे हैं, निरंतर सफल है। और इसमें हमारे सहयोगी ख़ास तौर पर जो हमारी टीम के जो सदस्य आज आए हैं सारे लोग हैं और कुछ लोग संरक्षक हैं, जैसे डॉक्टर शेख सादी उज्जमा, जयराम सिंह राजू, अशोक दीक्षित एडवोकेट, और जो इसमें जो लकड़ी का खर्च बहुत है, चाहे तिरंगा झंडे बनाने हो या घोंसले बनाने हो, तो हमारे फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं संजय अग्रवाल जी, रेंजर श्यामलाल जी, MP गौतम जी, और तो ये सारे लोग काफ़ी सहयोग करते हैं उसमें और हम लोगों का अभियान निरंतर और उत्साह को बढ़ाते रहते हैं, तो ये चलता रहता है। और ये मैसेज हम लोग पूरे हिंदुस्तान में भेजना चाहते हैं। साधन कम है भले ही, लेकिन कोशिश है, आप जैसे लोग अगर चाहेंगे
तो ये पूरा मैसेज जो है इसका कि गौरैया बचाई जाए, चिड़िया बचाई जाए। बांदा के लोग लगे हैं, बांदा का फॉरेस्ट विभाग लगा है, तिरंगा टीम लगी है, और भी समाज के लोग लगे हैं, और दिवाली कलाकार रमेश पाल जी जैसे लोग और भी अन्य लोग लगे हैं। तो क्यों ना हम सारे लोग लोगों में प्रेरणा बने, तो ठीक उसी तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश है जिस तरह गांधी दांडी यात्रा में चल के नमक का कानून तोड़ने गए थे। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग संग आते गए और कारवां बनता गया। यही कोशिश हमारी है, जज्बा है, जुनून है, और लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। आप सब लोगों की मदद से हमें लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये संदेश देंगे और गौरैया और चिड़िया को बचाने में सफल हो जाएंगे। कश्यप जी, इन चिड़ियों से जिनको आप बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, इनसे पर्यावरण संतुलन पर क्या रोशनी डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये संतुलित होता है? ये संतुलित हो ही जाएगा। जिस तरह गौरैया के बारे में बताया मैंने कि गौरैया जो है, जो हिंदुस्तान में देववृक्ष कहे जाते हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, उमर है, पाकर है, सेमर है, छौकर है, समी है, ये इसके बीज गौरैया खाती है। गौरैया सदैव बीज खाती है, उसको बीट करती है, उससे वो अंकुरित होते हैं। इसलिए कि उन बीजों को अंकुरित होने के लिए वैज्ञानिक तौर पर 18 सेंटीग्रेड हीट की ज़रूरत होती है, वो गौरैया में ही होती है, इसलिए का नाम से वो पेड़ जमते हैं। अगर उन पेड़ों को बनाए रखना है तो गौरैया बचाना पड़ेगा। हम और दूसरा है गिलहरी, गिलहरी 32 पेड़ पैदा करती है। ये पेड़ जो आप शहरों में देख रहे हैं, ये पालतू पेड़ हैं जिसको हम लोगों ने लगा रखे हैं, इसलिए ये जमे हुए हैं। जंगल में तो कोई नहीं लगा रहा, अपने आप क्यों जम रहे हैं? क्योंकि सृष्टि में एक नियम है कि बीज नष्ट नहीं होता, सृष्टि में बीज नष्ट नहीं होता, प्रकृति उसकी हिफाजत करती है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति कहीं से आती नहीं है, यही सब प्रकृति के अंग हैं। गौरैया है, गिलहरी है, यही प्रकृति है। गिलहरी हमेशा बीज खाती है जंगल के। आज हम लोग का नाम से फॉरेस्ट ऑफिस के ऑफिस के सभागार में खड़े हैं, तमाम तरह के जंगली प्रजातियों के भी पेड़ लगे हैं, इसलिए यहाँ तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार के पक्षी आते हैं। धनेश चिड़िया आती है, और भी बहुत सारे पक्षी जो शहरों में नहीं आते यहाँ आते हैं। गिलहरी बहुत बड़ी मात्रा में, गिलहरी उस बीज को खाती है, बीज को वो ज़मीन में खोद के गाड़ती है। गिलहरी की यह प्रवृत्ति है कि वो इसलिए गाड़ देती है कि मैं बाद में खा लूँगी, और वो भूल जाती है, इसलिए कि ये काम दिन भर करती है, वो बीज गड़ा रहता है। और बरसात में जब पानी नेचुरल बरसता है तो बीज अंकुरित हो जाता है और वो पेड़ बन जाता है। इसलिए अगर देखा जाए सारी सृष्टि में सबसे अधिक बड़ा वृक्षारोपण का काम अगर कोई करता है तो गिलहरी करती है, उसको भी पहला नंबर दे देना चाहिए। हम मनुष्य हैं तो नहीं देना चाहते, सब नंबर अपने पास रखना चाहते हैं, उनको एक भी नंबर नहीं देना चाहते, जबकि रियल यही है। गिलहरी बहुत बचाती है, कोयल बचाती है, कौआ बचाता है, गीद बचाता है, ये सारे लोग बहुत ज़रूरी, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन सबको बचाना है। इसकी अहम जिम्मेदारी हम सारे मनुष्य जाति के लोगों की है, क्योंकि जितना लाभ, जितना उपयोग हम लोग इनके द्वारा किए गए फल फूल लकड़ी छाया का उपयोग करते हैं, उसके लिए हम कोई वापस रिटर्न नहीं करते। यह हमारे लोगों की ईमानदारी नहीं है, पुनः हम लोग ईमानदार हों। अगर हम जंगल से कुछ लेते हैं तो जंगल को कुछ दें, प्रकृति से कुछ लेते हैं तो प्रकृति को कुछ दें, और यह संकल्प हम लोगों का है कि हम लोग प्रकृति को देंगे, क्योंकि प्रकृति से हम लोगों ने बहुत सांस प्राप्त की, स्वास्थ्य प्राप्त किया, फल फूल प्राप्त किया, अन्न प्राप्त किया, और अपने को बलवान समझकर घूम रहे हैं। लेकिन जिनसे हमने उधार लिया उनका अदा नहीं किया तो फिर छाती तानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनका कर्ज वापस करें फिर घूमें तो अच्छा लगेगा, यही हमारा प्रयास है। सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए सारे जीवों की रक्षा का भाव होना चाहिए। ये बात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।